तो आज मैं पोहा बनाए हूँ जो बहुत ही आसान है बनाना और इसमें बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और यह खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और इसे आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बना है। वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले आप 200 ग्राम भिगोया हुआ चूड़ा ले लें, गाजर चॉप किया हुआ, ऑनियन चॉप किया हुआ, टोमेटो, किशमिश, हरी मिर्च, नींबू, हरी मटर, नमक और ऑलिव ऑयल। तो पैन को थोड़ा सा गर्म होने दे, ऑलिव ऑयल डाल दे, और इसको पहले इसको गर्म होने दे अच्छे से। उसके बाद प्याज डालेंगे और जीरा सबसे मिलाई से उसके बाद इसमें मटर डालेंगे मटर डालने के बाद इसे थोड़ा सा ढक दे ताकि अच्छे से पक जाए। दो से तीन मिनट बाद इसमें गाजर डालें उसके बाद इसमें टमाटर चॉप किया हुआ डालें और अच्छे से मिलाकर इसे दो मिनट के लिए टमाटर पक जाए तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसके बाद इसमें किशमिश डाल दें जिससे आपको टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। फिर जो आप भिगोया हुआ चूड़ा है उसे डाल दें स्वाद के अनुसार नमक डालें उसके बाद आप अपना गैस बंद करें। नींबू जब भी डालें गैस बंद करके अब आपकी पोहा बनके तैयार हो गई। आप इसे एक प्लेट में अच्छे से परोस लें।